नमस्कार विद्यार्थियों फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान एग्जाम सेट मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट आपके सामने स्टार्ट हो रहा है पहला क्वेश्चन है इंसाइट टू ई कहाँ से प्रमोचित किया गया ऑप्शन ए बैकानूर ऑप्शन बी कौरु ऑप्शन थ्री हरिकोटा ऑप्शन डी चांदीपुर इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी यानी कौरु नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नीचे दिए ईंधन में किसमें सर्वाधिक उसमें मान है ऑप्शन ए को ऑप्शन बी पत्थर का कोयला ऑप्शन सी लकड़ी ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस अगर पता हो तो तुरंत कमेंट में करके बताएं तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है ऑप्शन ए डॉक्टर यू आर राव ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑप्शन सी डॉक्टर बरम ऑप्शन डी डॉक्टर होमी भाभा ये मोस्ट क्वेश्चन है इस बार जरूर एग्जाम सेट में पूछे जाएंगे हंड्रेड परसेंट गारंटी है अगर पता हो तुरंत कमेंट करके बताएं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर होमी भाभा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है ऑप्शन ए रेडियम ऑप्शन बी थोरियम ऑप्शन सी पोलोनियम ऑप्शन डी सीसा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः बन जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी सीसा बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा तो जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है ऑप्शन ए सनलाइट उद्योग ऑप्शन बी स्टार ट्रक उद्योग ऑप्शन सी सनसाइन उद्योग ऑप्शन डी सनराइज उद्योग अगर इसका आंसर पता हो विद्यार्थियों तुरंत हमें कमेंट में बताएं इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी यानि सनराइज उद्योग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं निम्नलिखित में से कौन निर्मय उपकरण नहीं है ऑप्शन ए इंकजेट मुद्रक ऑप्शन बी प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता ऑप्शन सी स्पीकर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं तो इस इसका इसमें सही आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है ऑप्शन ए सनी ऑप्शन बी मंगल ऑप्शन सी बृहस्पति ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं तो नासा के सातवां नंबर है ऑप्शन नंबर सी यानी बृहस्पति मिशन का नाम जूनो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अंतरिक्ष और संबंधित विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र जिसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं वह कहाँ स्थित है ऑप्शन ए अहमदाबाद ऑप्शन बी देहरादून ऑप्शन सी पुणे ऑप्शन डी बेंगलुरु तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए यानी अहमदाबाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती हैं ऑप्शन ए दे ब्रांगुली तरंगे ऑप्शन बी विद्युत चुम्बकीय तरंगे ऑप्शन सी अनुप्रस्थ तरंगे ऑप्शन डी अनुदैर्ध्य तरंगे तो इसमें सही आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए यानी दे ब्रांगली तरंगे ये हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन फंस सकता है ने, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है ऑप्शन ए असम ऑप्शन बी महाराष्ट्र ऑप्शन सी पंजाब ऑप्शन डी तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी यानी तमिलनाडु नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यदि तांबे के तार को दो गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा ऑप्शन ए चार गुना ऑप्शन बी एक चौथाई ऑप्शन सी दो गुना ऑप्शन डी आधा तो हमारा इसमें सटीक आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए यानी चार गुना बढ़ जाएगा प्रतिरोध नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं ऑप्शन ए प्रेरक ऑप्शन बी संधारित्र ऑप्शन सी परिणामित्र ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर तो हमारा इसमें सही आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी यानी संधारित्र नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था ऑप्शन ए रिचर्ड जेम्स ने ऑप्शन बी चार्लर्स गिन्सबर्ग ने ऑप्शन सी पीटी फर्थवर्थ ने ऑप्शन डी जॉर्जेस द मेस्ट्रोल ने तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी यानी चार्लर्स बर्ग ने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है ऑप्शन ए प्रतिरोध ऑप्शन बी ऊर्जा ऑप्शन सी धारा ऑप्शन डी ताप तो हमारा गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी धारा को पता लगाया जाता है घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम हो ऑप्शन बी गलनांक कम हो ऑप्शन सी विशिष्ट घनत्व तो कम हो ऑप्शन डी चालकत्व तो कम हो तो अगर पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी यानी गलनांक कम हो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है ऑप्शन ए लकड़ी ऑप्शन बी कपड़ा ऑप्शन सी कांच ऑप्शन डी कागज तो इसमें सही आंसर होगा बढ़िया रोधी ऑप्शन नंबर सी यानी कांच नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है वह कहलाती है क्या ऑप्शन ए यांत्रिकी ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिकी ऑप्शन सी गति की ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें सही आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए यांत्रिकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं निम्नलिखित में से सही विकल्प है ऑप्शन ए कार इज इक्वल टू विस्थापन अपान बल ऑप्शन बी कार इज इक्वल टू बल इनटू विस्थापन ऑप्शन सी कार इज इक्वल टू बल अपान विस्थापन ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी कार इज इक्वल टू बल इनटू विस्थापन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हीरा का अपवर्तनांक है ऑप्शन ए वन पॉइंट सेवन सेवन है ऑप्शन बी वन पॉइंट फोर सेवन है ऑप्शन सी वन पॉइंट फोर फोर है ऑप्शन डी टू पॉइंट टू है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी टू पॉइंट फोर टू है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है क्या लगा रहता है ऑप्शन ए अवतल दर्पण ऑप्शन बी समतल दर्पण ऑप्शन सी उत्तल दर्पण ऑप्शन डी अन्य इसमें हमारा सही आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तल दर्पण हेलो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें विद्यार्थियों को के पास शेयर करें और अंत में सब्सक्राइब करें धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग